गौरा बहन के घर का माहौल तो देखो। हाँ आज मेहमान ज्यादा है और परिवार के लोग कम। और नहीं तो क्या, गौरा बहन को अपनी बहुओं की परवाह नहीं, कम से कम अपने सगे पोते के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुंह दिखाई के वक्त तो गौरा बहन अपनी इस बहू की तारीफों के पुल बांधे नहीं थक रही थी, आज अचानक क्या हो गया? क्या तमाशा कर रही हो तुम? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या तमाशा है हा? जो बात करनी है हम बाद में आराम से करने की, अभी तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। शट अप, जस्ट शट अप। हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के साथ ऐसा करने की? जब से मैं इस घर में आई हूँ आपने जो कहा जो बोला मैंने सब माना। इनफैक्ट आपने तो मेरे पूरे परिवार की इंसल्ट की मेरे सामने, तब भी आपको नहीं रोका। लेकिन आज आज आपने मेरे डैड के साथ कितनी गिरी हुई हरकत की है। इसे हो क्या गया है, अचानक पलटी कैसे मार गई है? बोलिए क्यों किया आपने ऐसा? बस बस बहुत हो गया, अब तुम अगर बोली हो ना तो बोलूंगी, 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 बोलूंगी। और आज मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंडिंग मासी, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगी। तारी तारी। दी। ये हीरोइन बाप के सामने जबान लड़ा रही है। तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है, इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत का फलूदा बना रही है तू। भगवान सबको किए की सजा दे, लेकिन शुरुआत मीरा से करे। बहुत अकड़ दिखा रही थी ना, ले लेती जा, तेरी अकल मेरा धर्म ही ठिकाने लगाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बाप के सामने जवाब दे? अरे सीधी खड़ी। मेरा पैर। अरे क्या हुआ? दर्द, I'm so sorry. मेरे डैड की हालत, मुझे बहुत चक्कर, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, रोना बंद कर। भाई ये तो सीधी भी नहीं खड़ी हो पा रही है, और अपने कमरे में चल, आराम कर। ए दामजी भाई, दुख दबाव लेप लेके आ जाओ, ये मीरा के पैर में मोच आ गई है। आराम आराम से आओ, धीरे धीरे। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे खड़े खड़े तेरे को कैसे हो गया? तुमने कुछ खाया है कि नहीं? एक मिनट कुछ मंगवाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, अभी मुझे कुछ खाना नहीं है। ऐसा करती हूँ सो जाती हूँ तो पेन भी कम हो जाएगा। हाँ ये तूने सही कहा, तू शांति से सो जा। हाँ तेरा बिस्तर लगाता हूँ मैं इधर। हाँ
अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? चलिए चलिए दिवाली की आरती की तैयारी करते हैं। ओ छोटी चटंकी, ये तेरी बहन ने जो तहस नहस किया है ना, उसे साफ कर। चल चलो हाथ बटाओ इसका, चलो सफाई अभियान में शुरू हो जाओ। माची ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मेरी बहन क्या क्या कर सकती है। आप जानती नहीं है ना उसे, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि कमर कस के मेरी बहन को फेस करने के लिए तैयार हो जाए। मुझे डरा रही है, अपनी दी को देख के अपनी बोबड़ी चलाना शुरू मत कर, ना बहुत भारी पड़ेगा तुझे। तेरी तबीयत कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तुझे? ओ गॉड, बहुत दर्द हो रहा है। मीरा रुको, अभी आता हूं। बंसी। जी भैया जी। डॉक्टर का फोन किया? जी फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। देख तू श्रवण का ध्यान रख और इसे संभाल कर अपने कमरे में लेके जाओ। ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको मेरी कोई फिक्र है। क्या बोल रहा है? तेरा भेजा ठिकाने पे कि नहीं? अब तक तो नहीं था, लेकिन अब सब समझ में आ रहा है कि आपके लिए मैं आपका बेटा नहीं बल्कि एक मौरा हूं। इसे मन चाह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? श्रवण जी प्लीज कमरे में चलिए, प्लीज चलिए ना श्रवण जी। तेल लेवा गया बता, आजकल सबकी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बा गुस्से में ही सही, लेकिन श्रवण ने जो भी कहा सच कहा। ये तो माता जी ने हमारी लाज रख ली, वरना हमने जो खेल रचाया था उसकी कीमत श्रवण का चुका चुका। अशोक बोले से तू धर्म जी प्लीज जल्दी आइए ना। मेरे घर में हो क्या रहा है? धर्म का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। श्रवण जी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये सूप तो आपको पीना ही पड़ेगा, वरना कमजोरी कैसे जाएगी? देखिए ना आपकी सारी दवाइयां बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए आपको ये सूप भी पीना पड़ेगा और रात को सोने से पहले दूध भी पीना पड़ेगा, ठीक है? आज फाइनली मुझे एहसास हो गया कि पत्नी का प्यार क्या होता है। इतना सा हाथ चल जाने पर आप मुझे अपने हाथ से सूप पिला रही, अगर पहले पता होता तो अपने आपको पूरा ही। नहीं श्रवण जी प्लीज ऐसा कभी सोचना भी मत। एक बात कहनी थी आपसे, आज आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे पापा की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक और बात कहूं आपसे? कहिए ना।
बहुत अच्छे हैं श्रवण जी। मेरे डैड ने मेरे साथ जितना बुरा बिहेवियर किया है, उससे बुरा तो ये आदमी नहीं करेगा ना। कभी तुमने सुना क्या कहा इसे? तुम अभी के अभी हमारे साथ घर चल रही हो। पर मैं आपके घर वापस नहीं आ सकता। अब इस घर में मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सबको पता चल जाए कि मुझे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं उठने लगी, लेकिन मैं ये भूल ही गई थी कि मेरे पैर में ऑलरेडी चोट लगी है और आई लॉस्ट माय बैलेंस और मेरे पैर में फिर से लचक आ गई और इसलिए वो पास टूट गया। टूट गया तो कोई बात नहीं, एक काम कर, तू यहाँ ऊपर सो जा, मैं वहां नीचे सो जाता हूँ। हाँ ऊपर सो जा, आ जा। ठीक है ना? सो जा आराम से। ये तो अभी शुरुआत है मिस्टर धर्म सूर्यवंशी, असली मजा तो कल से शुरू होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।